प्यारे भाइयों, क्या है आप सभी को उम्मीद है बढ़िया भाई जा रही है, मस्त रही है, मौज करिए, खूब पैसे कमाइए। केवल भाई कैसे देखिए हमारे नॉलेज प्रेडिक्शन ज्ञान और टिप्स है। और हाँ भाई, एक बात बता दूं, जो भी नए यूजर अभी हमारे चैनल पे पहली बार आए तो भाई साइड स्क्रीन पे देखिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख रहा, तो भाई ज्वाइन कर लेना, इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, देखिए लाइन अप आने के बाद में अपनी फाइनल टीम, मेरा जो भी होता मेरा प्रॉफिट, मेरा जो भी होता लॉस, मतलब भाई ऑल स्टेटस सारा चीज आपको इसी टेलीग्राम ऐप पे देखने को मिलेगा, तो भाई ज्वाइन कर लेना, इम्पोर्टेंट है। जो भाई जो भी यूजर अभी हमारे चैनल को नहीं आते समझ पा रहे कि भाई ये टेलीग्राम चैनल हम कैसे ज्वाइन करें, तो भाई मैं क्या करूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई ज्वाइन कर लो, इम्पोर्टेंट है, पैसा नहीं लगता और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब आइए भाई जान, देखो टू एंड सेमीफाइनल मैच भाई, जो ये वर्ल्ड कप है आधा से ज्यादा मैच खत्म, मात्र भाई एक आध मैच बचे हैं, तो भाई इसमें तो आलस ना करना, मैं चाहूंगा जितने भी मेरे भाई हैं। और भाई एक बात बोलना चाहूंगा भाई, देखो सभी भाई लोग जो भी हमारी वीडियो देख रहे हो, चार पैसा कमाने के लिए देख रहे हो, तो भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई केवल आप हमारी वीडियो को 4 से 5 मिनट देखिए भाई, 4 से 5 मिनट देख के जाओ, अगर मैं आपको प्रॉफिट नहीं कराता हूँ, अगर आपको मैं प्रॉफिट जिताता नहीं, तो मुझे क्या करना, डिसलाइक मार देना, हमें अनसब्सक्राइब मार देना भाई, जो भी आपका मुझे कर पाओ कर देना, लेकिन भाई आप मेरी वीडियो को 4 से 5 मिनट देखो भाई, ऐसे ऐसे ज्ञान दूंगा, ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि भाई आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा, जब तक इंडिया फैंटेसी जिंदा रहेगा तब तक। तो भाई वीडियो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अब आइए भाई टीम किसके किसके बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है, तो भाई इधर देखो इंडिया वीएस इंग्लैंड के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है, भाई देखो बड़ा मैच है, तो भाई बड़े मैच में बड़ा पैसा छापना है, तो भाई वीडियो को देखना पड़ेगा, कुछ आप भी मेहनत करो, कुछ हम भी मेहनत करें, वीडियो देखो ताबड़तोड़, लाइक फाइक मत करना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई वीडियो देख के जाना, कमा के जाना, और भाई कमाते ही रहना जब तक फैंटेसी जिंदा है। तो भाई देखो फॉर एग्जांपल के दौर पे मैं आज की वीडियो में आपको क्या क्या ज्ञान दूंगा, तो भाई देखो प्लेइंग 11 टीम न्यूज बताऊंगा, मतलब इंडिया और इंग्लैंड के बीच में दोनों प्लेइंग 11 टीम न्यूज की बात करेंगे, भाई कौन से मतलब प्लेइंग 11 बात करेंगे, और प्लेयर की स्टैट के बारे में बात करेंगे, एक एक प्लेयर के बारे में आपको डीप में नॉलेज दूंगा। इधर देखो भाई पिच रिपोर्ट, भाई देखो इस वीडियो में आपको बताऊंगा पिच रिपोर्ट, तो भाई सभी भाई लोग जान जाओगे पिच रिपोर्ट, अगर आप जान जाओगे भाई ना आप, तो आपका 75% काम इसी तरह हो जाएगा। देखो भाई कैसे काम हो जाएगा, भाई देखो अगर आप जान जाओगे स्पीड पर बल्लेबाज को, मन मिला गेंदबाज को, ये जानोगे तो एक अच्छी टीम बनाओगे जो कि आपको इम्पोर्टेंट है पैसे कमाने में, ठीक। अभी तक देखो भाई हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, अभी तक टोटल हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड कितने खेले गए, कौन कितनी बार मैच को जीत दर्ज किया, कौन कितनी बार मैच को हारा, इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, ठीक। अभी तक देखो भाई प्लेयर प्रेडिक्शन, भाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्लेयर प्रेडिक्शन की भाई किस प्लेयर के ऊपर आप भाई क्या करोगे 25 रन यस करोगे, किस प्लेयर के ऊपर 25 रन क्या करोगे नोट करोगे, हाँ और ना में जवाब देखे, केवल आप हमारी वीडियो से वीडियो के मदद से पैसा कमा सकते हो, तो भाई आलस ना कर रहा पैसे कमा लेना, ठीक। अभी देखो भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन, भाई इस वीडियो में आपको ऐसे 3-4-5 प्लेयर ट्रम्प कार्ड देने वाले जो कि आपकी टीम में रहना इम्पोर्टेंट है, आप उन्हीं प्लेयर में से किसी को कैप्टन किसी को वाइस कैप्टन ट्राई कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो भाई टॉस प्रेडिक्शन, हु विल विन द टॉस, मतलब आज का टॉस कौन वन करने, इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे, भाई इंडिया टॉस जीतेगी इंग्लैंड, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, भाई चर्चा क्या करना सीधा मैं आपको बता ही दूंगा कि आज का टॉस कौन जीतेगा, उस वीडियो में बने रहो। तो भाई देखिए हमने आपको बताया कि इसके बारे में क्या क्या बताऊंगा वीडियो में, ये बताया हूँ, ठीक है। तो आप भाई चलिए आप जान लेते हैं किसके बारे में, इंडिया के प्रोबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में जान लेते हैं, जान लेते हैं किसके बारे में, भाई देखो इंडिया के प्रोबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में जान लो कि भाई आज के मैच में आपको इंडिया की प्रोबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज क्या देखने को मिलेगी, तो भाई ध्यान से देखिए, भाई देखो रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांडे, अक्षर पटेल, रविंदर जडेजा, कुलदीप यादव, हरदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, भाई ये देखिए आपको होने वाली इंडिया की प्रोबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। अब भाई चलिए मैं आपको बताता हूँ किसके बारे में, प्लेयर की स्टैट के बारे में, मतलब भाई मैं आपको प्लेयर के बारे में नॉलेज दूंगा, तो भाई ध्यान से सुनिएगा, और भाई जब तक इंडिया फैंटेसी जिंदा है जो ये ज्ञान दूंगा आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा, तो भाई ध्यान से देखना और सुनना। भाई जब देखो रोहित शर्मा में बोलूंगा, इस समय मस्त हिटिंग में दिख रहा है, मतलब ये भाई लाजवाब ताबड़ तोड़ खेल रहे अपने पुराने वाले अंदाज में आ गए, तो भाई मैं बता दूं आज के मैच में, भाई देखो अगर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर गए तो भाई आज के मैच में मैं बोलूंगा अगर रोहित शर्मा फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते तो भाई आज की भी मैच में आप भाई 70 से 80 रन की उम्मीद कर सकते हो, आज के भी वैसा ही आपको ताबड़तोड़ तेज तरार पारी खेलते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा। और भाई एक बात बता दूं, सीधा अगर रोहित शर्मा दूसरे इनिंग बैटिंग कर गए तो सीधा अपने टीम से ड्रॉप भी मार देना भाई, इतना तो आप मुझ पर बिलीव करते हो, तो भाई बात मान लेना। भाई देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, भाई देखो रिसर्च बताता है कि भाई रोहित शर्मा जब भी फर्स्ट इनिंग बैटिंग करता है तो भाई बिना कुछ सोचे समझे ताबड़तोड़ बैटिंग करता है, मतलब भाई ये रन के पीछे पागल रहता है, जब तक ये रहेगा आपको हर बॉल पे हर ओवर में हर गेंद पे भाई चौका छक्का मारता हुआ दिखेगा रोहित शर्मा।
लेकिन भाई अगर आज के मैच में सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हैं तो भाई सीधा अपने टीम से इनको ड्रॉप मार देना, फ्लॉप जाने वाला यहीं पे लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। और भाई इनके बारे में आपको नॉलेज दूं, भाई देखो ये स्पिन को अच्छा खेलते हैं, मैं बताऊंगा जो लाइट लेफ्ट हैंड से स्पिन बॉलिंग कराते हैं उनको क्या होता है, थोड़ा इनको दिक्कत होता है, लेकिन ये उनको क्या होता है थोड़ा संभल कर रोक के खेलते, लेकिन भाई राइट हैंड का स्पिन बॉलर आ गए तो भाई ये तोड़ के रख देंगे ताबड़तोड़। और यहीं पे इनकी बात कर लिया जाए, भाई देखो ना इनसे कोई फास्टर गेंदबाज से दिक्कत होती है, ना ही मतलब स्लोअर से मिला जुला कि आपको बैट्समैन ताबड़तोड़ है। और भाई लेकिन जब ये बड़ा स्कोर करते हैं तो ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय करते हैं, और भाई सेकंड इनिंग बैटिंग करते समय ये ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाते, इनकी पूरी हिस्ट्री निकाल लो जब से इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया अभी तक, भाई इन्होंने फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय बहुत ताबड़तोड़ रन बनाए अपनी टीम के लिए, तो भाई इन पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो भाई विराट कोहली, भाई विराट कोहली मैं बोलूंगा पूरे इंडिया सब आज के टीम में रहने वाली, पूरे इंडिया में जितने भी फैंटेसी पॉइंट बनेंगे आपके विराट कोहली तो भाई सब में नजर आएगा। लेकिन भाई आज के मैच में बता दूं, भाई देखो इधर मैं बोलूंगा अगर मान लो बंदा ये पिछले तीन चार मैच से भाई बंदा किसी पे जीरो पे आउट हो रहा है, कभी चार रन पे आउट हो रहा है, कभी तीन रन पे आउट हो रहा है, तो भाई आज में पूरा जोड़ लो आज के मैच में बंदा डबल ट्रिपल रन मार के जाने वाला और कम मार के जाने वाला। भाई देखो विराट कोहली मैं बता दूं आज के मैच में अगर देखो भाई अगर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं तो भाई इनसे अब ज्यादा की उम्मीद ना करना, आज के मैच में फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय 30 या 35 रन की उम्मीद कर सकते हो इससे विराट कोहली से, फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय 30 या 35 रन की उम्मीद करना। लेकिन भाई अगर आज के मैच में विराट कोहली सेकंड इनिंग में बैटिंग करके भाई तो भाई आज ही नैया पार लगा देने वाले ताबड़तोड़ है, क्या करेंगे आज के मैच में आपको विराट कोहली भाई क्या करेंगे आज के मैच में भाई आपको 100 मतलब भाई ये सेंचुरी लगा के जाने वाले, इतना ताबड़तोड़ प्रेडिक्शन है, तो भाई ध्यान से सुनिएगा। अभी तक देखो भाई ऋषभ पंत, भाई नाम है ऋषभ पंत, काम भी ऋषभ पंत ताबड़तोड़ कर देते अपना, लेकिन भाई इनके साथ अगर आप जाते हो तो भाई आपको क्या होगा प्लस पॉइंट मिलेंगे, कैसा प्लस पॉइंट मिलेगा भाई देखिए आपको ये तो थोड़ा विकेट कीपिंग से आपको बैकअप देंगे, मतलब एक आध कैच अगर ये पकड़ते हैं तो भाई आपको एक कैच का पकड़ने का 8 पॉइंट मिलता है, तो भाई मान लो अगर दो तीन कैच पकड़ ले तो आपको आधा ज्यादा पॉइंट वहीं से मिल जाएगा। तो भाई ये रोहित शर्मा क्या ऋषभ पंत मस्ती पिक है, और भाई ये फर्स्ट डाउन बैटिंग भी कर सेकंड मतलब फर्स्ट डाउन एक विकेट गिरने के बाद ये बैटिंग भी करने आते हैं, तो भाई ताबड़तोड़ इन पे नजर रखिएगा। और भाई पिछले कई मैच से इन्होंने लगातार फॉर्म किया और भाई ये बड़े प्लेयर है और बड़े मैच का प्लेयर है, आपको ये बड़े मैच में ये रन बनाते हुए दिख सकते हैं, तो भाई इन पे इंपॉर्टेंट है। और भाई आज के मैच में आप इनको क्या कहना ट्रम्प कार्ड भी बना सकते हैं, ठीक है, ये चाहे फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे चाहे सेकंड इनिंग बैटिंग करे डज नॉट मैटर, अपने टीम में इनको रख लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी तक देखो भाई सूर्य कुमार यादव, भाई सूर्य का मैच ताबड़तोड़, लेकिन भाई एक बात बता दूं जो बैट्समैन थोड़ा स्लोवर बॉल डालता है, कटर बॉल डालता है, स्विंग बॉल डालता है, ज्यादातर मैं बोल दूं साफ साफ अगर स्पिन बॉल आज की कोई भी लेफ्ट हैंड आठ तो स्पिन बॉलेंगे, राइट है आठ तो स्पिन बॉलेंगे, जो भी बॉलर हो भाई सूर्य कुमार यादव को मैं बता दूंगा आज के मैच में ये फ्लॉप जाने वाले। सूर्य कुमार यादव चाहे आज के मैच में फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे सेकंड इनिंग बैटिंग करे भाई दोनों इनिंग में ये क्या जाने वाले फ्लॉप जाने वाले, क्यों जाने वाले क्योंकि भाई देखो सामने वाली टीम में ज्यादातर अब स्पिनर भरे हुए जिसको स्पिन को सूर्य यादव से थोड़ा स्पिन बॉलिंग से दिक्कत होती, और भाई ये क्या बोलते तेज तरार पारी वाले बैट्समैन है, ये आपको हर बॉल पे चौके छक्के मारते हुए दिखेंगे, तो भाई जाहिर सी बात है ना अगर आप हर बॉल पे चौके छक्के मारोगे तो भाई आपकी जो विकेट गिरने के चांसेस होते भाई 95% बढ़ जाती है, मतलब 95% चांस है कि आज के मैच में आप ड्रॉप मतलब आज आपको फ्लॉप ही जाने वाले, ठीक है, तो भाई इस पे नजर रखना। अभी देखो भाई सीवन दुबे, भाई देखो सीवन दुबे को अपने टीम में क्यों रखा गया, भाई देखो मैं बता दूं एक तो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, अब ये ना सोचना कि भाई ये सीवन दुबे बॉलर है ऑलराउंडर के रूप में आ रहे हैं तो भाई इनको अपने टीम में आप बॉलिंग उम्मीद ना करना, और इन्होंने पूरे 2024 वर्ल्ड कप में एक भी ओवर बॉलिंग नहीं डाली तो भाई इस वाले मैच में क्या ही डालेंगे। तो भाई अगर आज के मैच में आपको अपने लेना अपने टीम में तो भाई सीवन दुबे से केवल आप बैटिंग की उम्मीद पे लेना, और भाई कब लेना, और भाई देखो सीवन दुबे मैं बता दूं आज के मैच में फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हैं तब अपने टीम में लेना, लेकिन अगर मान लो सेकंड इनिंग बैटिंग करते तो भाई सीधा इनको क्या करोगे सीवन दुबे को भी ड्रॉप मारोगे, ठीक है। अभी तक देखो भाई हार्दिक पांड्या, भाई देखो आज के मैच में कुछ हार्दिक पांड्या जो है हलचल मचाने वाले, कैसा हलचल मचाएंगे आप भी जान सकते हो, इस वीडियो में बने रहो बताता रहता हूँ सब। भाई इधर देखो आज के मैच में बता दूं हार्दिक पांड्या चाहे कभी भी बैटिंग करने आए, और भाई ये बड़े मैच का ये भी प्लेयर है, मैं भाई जिस प्लेयर के बारे में बताऊं ध्यान से सुनिएगा, भाई इधर देखो हार्दिक पांड्या भी क्या है बड़े मैच का प्लेयर, और भाई बड़े मैच में परफॉर्म करता है चाहे कितना भी रन मारे, चाहे बंदा भले से 20 रन मारे लेकिन मारेगा जरूर, और भाई बॉलिंग से तो भाई मैं बोलूंगा लाजवाब कर देता है। तो भाई आज के मैच में आप हार्दिक पांड्या को भाई प्रॉपर ऑलराउंडर है, और भाई आज के मैच में इनको ट्रम्प कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई इधर देखिए हार्दिक पांड्या आज के मैच में होने वाला ट्रम्प कार्ड, अब भाई आप पूछो कि भाई ट्रम्प कार्ड का मीनिंग क्या होता है, तो भाई देखो ट्रम्प कार्ड का मीनिंग ये होता है कि भाई आज के मैच में ये सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट देने वाले बंदे हो सकते हैं,
ठीक। अभी इधर देख लो भाई, अक्षर पटेल भाई, देखो अक्षर पटेल भाई मैं बोलूंगा इनके जो है भाई, इनके ना ही बैटिंग सुमित करना ना ही बॉलिंग सुमित करना भाई। देखो अगर आप बैटिंग सुमित करते हो तो भाई इधर देखो इनका नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें नंबर पे इनकी बैटिंग आ रही है। और भाई T20 का मैच है तो भाई आप जानते हो आधा से ज्यादा मैच जो इसी तरह, मतलब आधा से ज्यादा जो है ओवर इसी तरह खत्म आएगी इनकी बैटिंग आते आते। और भाई इनको बॉलिंग ज्यादा मिल नहीं रहा, मतलब ऐसे ये कब बॉलिंग डालते हैं जब लेफ्ट हैंड का, जब ये राइट हैंड, सॉरी जब ये राइट हैंड का बैट्समैन सामने रहता है तब इनको बॉलिंग दी जाती है, क्योंकि लेफ्ट हैंड आर्टू तम स्पिन बॉलिंग डालते हैं, ठीक है। अब इधर देख लो भाई रविंदर जडेजा भाई, देखो रविंदर जडेजा बहुत काफी दिनों से शांत है, मतलब मैं बोलूंगा ना ही बल्ले से कुछ कर पा रहे ना ही बैट से कुछ कर पाते, लेकिन भाई आज के मैच में आपको ये भी अलग कुछ करने वाले दिखने वाले, ठीक है। तो भाई आज के भी मैच में इन पे आप क्या कर सकते हो, ड्रम कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखो भाई कुलदीप यादव भाई, देखो कुलदीप यादव चाइना मैन जब पर भी ये बंदा बॉलिंग डालता है जो बैट्समैन इनको थोड़ा रुक कर थोड़ा संभल कर ना खेले ना भाई तो विकेट पक्का दे देगा। तो भाई ध्यान देना, अगर जो भी बैट्समैन इनको थोड़ा रुक कर खेल लिया संभल कर खेल लिया तो आज के मैच में कुलदीप यादव सीधा ड्रॉप करने वाले, मतलब फ्लॉप जाने वाले, ठीक है। अभी तक देखो भाई अक्षदीप सिंह लगातार बॉलिंग डाल रहे, देव धोनी बॉलिंग डाल रहे, पॉल फेरी भी बॉलिंग डाल रहे, तो भाई जहर सी विकेट है विकेट मिलना। और भाई इनको मैं बोलूंगा ताबड़तोड़ है, बहुत ताबड़तोड़ विकेट ले रहा है। और भाई जसप्रीत बुमराह तो इंपॉर्टेंट पिक है भाई ऑल टाइम, चाहे कभी बॉलिंग कराने तो भाई इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए ये हमने आपको बताया किसके बारे में, हमने बता दिया इंडिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में बताया, देख लो समझ लो। अब भाई चलो जान लेते किसके बारे में, अब भाई चलिए जान लेते इंग्लैंड के प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में। भाई अब जान लेते किसके बारे में, भाई इधर देखो इंग्लैंड, भाई इधर देखो इंग्लैंड के प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में जान लो कि भाई आज के मैच में आपको इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज क्या देखने को मिलेगी। तो भाई ध्यान से देखिएगा इंपॉर्टेंट है, भाई इधर देखो फिलिप्स आर, जॉर्ज बटलर, जॉनी ब्रेस्टो, हैरी ब्रूक, लिविंगस्टोन, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रासी, ऋषि ट्रॉफली, मोइन अली, भाई ये देखो आपको दिखने वाली इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया किसके बारे में, प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में बताया। अब भाई चलो जान लेते किसके बारे में, प्लेयर की स्टैट के बारे में, मतलब जानो कि भाई कौन सा प्लेयर कैसा इसके बारे में नॉलेज हो। भाई इधर देखो फिलिप साल के बारे में बता दूं, भाई देखो फिलिप साल में बोलूंगा एक घातक प्लेयर है, लेकिन भाई जब मैं बोल दूं अगर ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं फिलिप साल, तो भाई थोड़ा रुक कर थोड़ा स्लो खेलते, मतलब एक तरह से बोलूंगा आपको एकदम सेफ खेलते हुए नजर आएंगे, आपको हर बॉल पे चौके छक्का नहीं मारते हुए नजर आएंगे। लेकिन भाई अगर ये जो फिलिप साल भाई क्या करते हैं, अगर ये दूसरे इनिंग में बैटिंग करते हैं तो भाई आते ही आपको हर बॉल पे चौके छक्के मारेंगे, मतलब हर बॉल पे अगर ये चौके छक्के मारेंगे तो भाई आप जाते हो जाहिर सी बात, अगर जो बैट्समैन थोड़ा रुक कर सेफ खेलेगा तो भाई रन बनाएगा, 20-25 बना लेकिन बनाएगा, लेकिन जो बैट्समैन आते ही चौके छक्के लगे मार रहे, मतलब भाई अगर वो कैमियो पारी खेलेगा तो भाई 15-20 बॉल में 65-70 रन की पारी खेलेगा, लेकिन भाई अगर उसको आउट होना रहेगा तो भाई 15-20 बॉल बंदा मैं बोलूंगा भाई 0 रन पे भी आउट होता था, 1 रन पे भी आउट होता, मैं बोलूंगा फिलिप शर्ट अगर आज के मैच में फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते तो अपने टीम में रखना, लेकिन बाई चांस दूसरे इनिंग में अगर ये बैटिंग करते तो सीधा इनको क्या करना, ड्रॉप मारना, ठीक है, ये सेफ ऑप्शन है, ठीक। अभी यार देखो भाई जॉर्ज बटलर मैं बोलूंगा ताबड़तोड़ है इस समय, भाई ये विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं तो भाई उसको क्या देंगे आपको यहाँ से, भाई देखो प्लस पॉइंट देंगे। और भाई ये क्या करते हैं, भाई ये देखो ओपनिंग करने आते हैं, ओपनिंग फर्स्ट डाउन, मतलब ये ओपनिंग करने आते हैं भाई ताबड़तोड़ है ये बंदा, मैं बता दूं चाहे ये फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे सेकंड इनिंग बैटिंग करे भाई दोनों इनिंग में मस्ती कर, दोनों इनिंग में आपको रन बना के देगा अच्छा खासा, और भाई ताबड़तोड़ बैट्समैन है, रन तो भाई कन्फर्म बनाने वाला है। तो भाई देखिएगा, भाई देखो जॉर्ज बटलर मैं बता दूं स्टार्टिंग में, मतलब भाई आपको भाई चौके, मतलब छक्के ज्यादा ये चौके लगाता है ऐसा बंदा है, तो भाई हर बॉल पे हर ओवर में उम्मीद कर लेना कि एक आध बाउंड्री, तो भाई जब तक जॉर्ज बटलर पिच पे रहेंगे, जब तक क्रीज पे रहेंगे तो भाई आपको हर ओवर में हर बॉल पे चौके छक्के मतलब देखने को मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो भाई इनके बारे में बताया। अब इधर देखो भाई जॉनी ब्रेस्टो, भाई देखो जॉनी ब्रेस्टो ऐसे प्लेयर है भाई, देखो इनका टेस्ट हो, T20 है, वर्ल्ड कप हो, सारे मैच में नहीं चलते, लेकिन भाई मैं बता दूं ये ऐसे मैच में परफॉर्म करते हैं जिनको कभी कोई आशा कोई उम्मीद ना होती है, तो भाई इन पे ध्यान दीजिएगा। और ज्यादातर मैं बता दूं जॉनी ब्रेस्टो भाई देखो फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय इनको थोड़ा जिम्मेदारी वाला बैटिंग करना अच्छा लगता है, मतलब मैं बोलूंगा आपको फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय जॉनी ब्रेस्टो थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर ये जॉनी ब्रेस्टो अगर ये सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हैं तो थोड़ा सेफ है, मतलब सेकंड इनिंग बैटिंग करते समय थोड़ी रुक कर थोड़ा मैं बोलूंगा अगर उसी बॉल पे चौके छक्के मारेंगे जो इनको लगेगा भाई ये बॉल मुझे मारने वाली है तो भाई नहीं तो सिंगल डबल से भी काम, लेकिन अगर ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हैं तो भाई एकदम धुआंधार पारी खेलते हैं, मतलब सोचते नहीं है कि भाई क्या चौका क्या बाउंड्री, हर बॉल पे आपको बल्ला चलाते हुए नजर आएंगे, तो भाई ऐसे प्लेयर जो होते हैं ज्यादातर रिस्की रहते हैं फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय, तो भाई आज के मैच में भी जॉनी ब्रेस्टो फ्लॉप जाने वाले, ठीक। अभी देखो भाई हैरी ब्रूक, भाई देखो इंग्लैंड में बता दूं जो बैट्समैन थोड़ा रुक कर थोड़ा टाइमिंग में स्टार्टिंग में समय लेके खेलता है लास्ट में बड़ा करता है, तो भाई इनका यही काम है हैरी ब्रूक का, तो भाई इन पे आप ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लास्ट तक हो सकता है कि पूरे लास्ट तक मैच में बने हुए रहेंगे, इनका यही परफॉर्मेंस है कि भाई देखो स्टार्टिंग में ये बंदा आपको बॉल खेलेगा, मतलब जितने बॉल खेलेगा ये आपको उतने रन बना देगा, तो भाई रन लेना है पॉइंट लेना है, तो भाई इन पे आप हैरी ब्रूक पे
पॉइंट ले सकते हैं। ठीक, अभी इधर देखो भाई एर्लिंग स्टोन, भाई देखो एर्लिंग स्टोन प्रॉपर क्या ऑलराउंडर है, लेकिन भाई ये कब बॉलिंग कराने थे जब इनको टीम को लग गया कि भाई अब हमारे बॉलर जो बैट्समैन को नहीं आउट कर पा रहे तो आते हैं लिविंग स्टोन। और भाई ये मैं बता दूं इनके बॉलिंग उम्मीद ना करना, इनका वो बॉलिंग कन्फर्म नहीं है, कभी एक आध ओवर कभी कबाड़ एक आध ओवर करने आ सकते हैं, लेकिन भाई बैटिंग इनका फिक्स है कि भाई ये बैटिंग तो भाई देखिए 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे बैटिंग करने। और भाई इनका काम क्या है, भाई देखो एर्लिंग स्टोन का की काम ये है कि भाई आप जाइए खूब तेज तरार पारी कैमियो पारी खेलिए, मतलब 15-20 बॉल में आप 65-70 रन की पारी खेलिए, टावर तोड़ रही है, या तो आप आउट रन मारिए, तो भाई इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा। अगर आपको मैं बता दूं अगर एर्लिंग स्टोन आज के मैच में अगर भाई देखो सेकंड इनिंग बैटिंग करता है तो अपनी टीम में रखना, अगर भाई सेकंड इनिंग बैटिंग करता है तो भाई ज्यादा कुछ खास नहीं, इनको भी आप ड्रॉप मार सकते हैं। ठीक है, अभी इधर देखो भाई सैम करन, भाई देखो सैम करन मैं बोलूंगा भाई देखो या तो ऑलराउंडर है, पहले ये जान लो भाई, ये देखो सैम करन जो है प्रॉपर ऑलराउंडर है, बॉलिंग से ही पॉइंट देगा बैटिंग से ही पॉइंट देगा, तो ताबड़तोड़ और भाई एकदम सेफ खेलता है बंदा। और भाई इसके मैं बता दूं 4 ओवर तो नहीं लेकिन 2 ओवर इसके कंफर्म है कि भाई आज के मैच में आपको 2 ओवर डालते हुए नजर आएंगे। ठीक, अभी इधर देखिए भाई क्रिस जॉर्डन, भाई देखो क्रिस जॉर्डन ऐसा बॉलर है कि भाई देखो अगर अपने 3 ओवर में बंदा एक भी विकेट ना ले, अपने लास्ट ओवर में बंदा आपको 3-4 विकेट लेते हुए दिख सकता है, तो भाई देखिए इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाले। अभी इधर देखो भाई जोफ्रा आर्चर, भाई जोफ्रा आर्चर तो भाई आप जानते हो ताबड़तोड़ क्या बल्ले बॉलिंग करते हैं, जो बैट्समैन इनको हर बॉल गए मारने तो भाई आउट होगा, तो भाई इन्हीं में यही भला है कि भाई जो भी बैट्समैन इनको खेले थोड़ा रुक कर सेफ खेले तो भाई आप इनको रन मार सकते। ठीक है, अभी यार देखो भाई आदिल राशिद, भाई देखो आदिल राशिद ताबड़तोड़ बैट्समैन है, भाई देखो जो बैट्समैन थोड़ा रुक कर थोड़ा संभल कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में जो बैट्समैन इनको लगे मतलब हर बॉल पे चौके छक्के मारने लगे तो भाई वो बंदा ठीक है, लेकिन जो बंदा थोड़ा डर कर खेले थोड़ा रुक कर खेले तो भाई मैं बोलूंगा आदिल राशिद इनको अपने जान में फंसा लेते, तो भाई आज की प्रॉब्लम। भाई देखो ऋषि ट्रॉफी भी तेज तरह बॉलिंग डालता ताबड़तोड़ एक ओवर जाता है, तो भाई आज की मैच में इनसे एक से ज्यादा उम्मीद ना करिएगा। ठीक है, अभी देखो भाई मोइन अली मैं बोलूंगा प्रॉपर ऑलराउंडर है, इस समय भाई ये फर्स्ट डाउन या फिर सेकंड नंबर पिक की बैटिंग आ जा रही है, तो भाई इंपॉर्टेंट पिक और भाई बॉलिंग अपने 3 या 4 ओवर पूरे डाल ले तो भाई इंपॉर्टेंट है, तो मोइन अली को भी देखिएगा आज की मैच में आप मोइन अली को ट्रम्प कार्ड बना सकते हैं। तो भाई देखिए हमने आपको किसके बारे में बताया, इंग्लैंड के प्रोबल प्लेइंग 11 टीम न्यूज के बारे में बताया, अब भाई चलिए जान लेते किसके बारे में पिच रिपोर्ट के बारे में। भाई देखो अगर आप जान जाओगे पिच रिपोर्ट तो आपको 75% पता चल जाएगा इस पिच पर बल्लेबाज को मान मिला गेंदबाज को, ये सब जानने के बाद एक अच्छी टीम क्रिएट करोगे जिससे आप 4 पैसे कमाओगे 4 पैसे हम कमाएंगे। तो चलिए सीधा जान लेते किसके बारे में पिच रिपोर्ट के बारे में, भाई अब जान लेते किसके बारे में पिच रिपोर्ट के बारे में जान लो। भाई जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो ये मुकाबला खेला जा रहा है किस पिच पर खेला जा रहा है, तो भाई ये जानो पिच रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। भाई जब देखो पिच रिपोर्ट किस पिच पर खेला जाए, देखो भाई प्रोविडेंस स्टेडियम यूनियन, मतलब ये भाई जो है भाई साउथ अफ्रीका पे समझ लो करे ये मैच हो रहा, साउथ अफ्रीका के घर की तरफ ये मैच खेला मुकाबला खेला। ठीक है, तो भाई ध्यान से सुनिएगा इतने ही लाइन में जो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ आपको इतने ही लाइन में पूरा पिच रिपोर्ट पता चल जाएगा, भाई आज के मैच में आपको क्या होने वाला है अभी से पता चल जाएगा, तो भाई ध्यान से सुनिएगा। भाई जब देखो इस पिच पर अभी तक 200 का आंकड़ा पार नहीं हुआ है, समझे नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं तुम्हारा भाई है, अभी फिर से समझाऊंगा एक बार और। ठीक है, तब इधर देख लो भाई दूसरी नाम देखो इस पिच पर शुरू से लेकर लास्ट तक स्पिन गेंदबाज कहते हैं मैच में रहते हैं, मतलब मैच में शुरू से लेकर लास्ट तक दबदबा बना रहते हैं बल्लेबाज पर स्पिनर्स। ठीक है, और कौन से स्पिनर, लेफ्ट हैंड स्पिनर, लाटो स्पिन स्पिनर, मतलब आज तरह के स्पिनर बैट्समैन के ऊपर क्या होते दबदबा बनाए रहते हैं। ठीक, अभी इधर देखो भाई तीसरी लाइन में इस पिच पर इस पिच पर भाई देखो तेज गेंदबाज को भी काफी मदद मिलता है, मतलब इस पिच पर भाई जितना स्पिनर्स को मदद मिलता है भाई कंपेयर टू 65% स्पिनर को मदद मिलेगा और भाई 35% किसको इसको स्पिन मतलब पेसर को मदद मिलेगा। ठीक, अभी इधर देखो जान लो चौथी रन में इस पिच पर देखो बल्लेबाजी जो रुक के खेलता है वही बड़ा स्कोर करता है, भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, घबराना नहीं मैं हूँ, अबे फूमा तब लोग हुआ गिर जाए फरमा मार दे तुरंत बाढ़ देने जो तो जाए बच्चो और जो चिक चिक कहिए रहा कुलिन। तो भाई इधर देख लीजिए इस पिच पर भाई देखो टॉस जीतने वाली टीम पहले क्या करती है भाई बल्लेबाजी करना पसंद कर दिया, भाई देखो आप समझे नहीं समझे मुझे नहीं पता लेकिन अब मैं आपको समझाऊंगा एकदम अच्छी तरीके बारीकी से, तो भाई ध्यान से सुनिएगा पिच रिपोर्ट। भाई देखो इस पिच पर अभी तक 200 का आंकड़ा नहीं पार हुआ है, मतलब ये जो पिच जो ये स्टेडियम प्रोविडेंस स्टेडियम गुनियान साउथ अफ्रीका का जो भाई ये पिच अभी तक इस पिच पर 200 का आंकड़ा नहीं पार हुआ है, इसमें भाई देखो T20 जब भी मैच खेले गए इस पिच पर लगभग 200 मतलब 200 के ऊपर रन नहीं बनते इतना मान के चलना। और भाई इस पिच पर देखो शुरू से लेकर लास्ट तक स्पिनर मतलब स्पिन गेंदबाज का क्या रहता है दबदबा रहता है बाहर बल्लेबाज के ऊपर हर मैच में हर ओवर में। ठीक है, अभी इधर देखो तीसरे रन में इस पिच पर तेज गेंदबाज को भी
काफी मदद मिलता है, मतलब स्पिनर्स को मदद मिलता ही मिलता है, लेकिन तेज गेंदबाज को भी मदद मिलता है, दोनों को मदद मिलता है। भाई देखो स्पिन गेंदबाज को 65% मदद मिलता है और फिर भाई तेज गेंदबाज को 35% मदद मिलता है। ठीक, अभी देखो भाई चौथी लाइन में इस पिच पर जो बल्लेबाज रुक कर खेलता है वही बड़ा स्कोर करता है, क्योंकि भाई ये जो पिच है ऐसे ही पता चल रहा है जब इस पिच पर गेंदबाजों का ही दबदबा रह रहा है बल्लेबाजों के ऊपर, तो भाई जाहिर सी बात है जो ये पिच है क्या भाई, देखो ये पिच क्या है भाई, बॉलर का पिच है। तो भाई इस पिच पर जो बल्लेबाज जो रुक कर थोड़ा बॉलर को समझ कर फेस टू फेस बॉल को खेल कर जो बल्लेबाज इस पिच पर समय बिताएगा वही बल्लेबाज आपको बड़ा रन स्कोर करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अभी इधर देखो भाई इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम पहले क्या करती है, बल्लेबाजी करना पसंद करती है। तो भाई इधर देखिए हमने आपको बताया पिच रिपोर्ट के बारे में, किसके बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में बता दी। अब भाई चलो जान लेते किसके बारे में, अब जान लेते भाई स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। भाई जो प्रोविडेंस स्टेडियम का पिच अभी तक इस पिच पर T20 के टोटल मैच कितने खेले गए, कौन कितनी बार मैच को जीत दर्ज किया, कौन कितनी बार मैच को हारा हुआ, तो चलिए भाई जान लेते किसके बारे में, स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। भाई जान लेते किसके बारे में, भाई देखो स्कोरिंग पैटर्न के बारे में। भाई देखो स्कोरिंग पैटर्न जो ये प्रोविडेंस यूनियन ने मतलब प्रोविडेंस स्टेडियम जो अभी तक इस पिच पर भाई किसके, भाई देखो T20 के अभी तक इस पिच पर T20 के टोटल मैच कितने खेले गए, टोटल मैच अभी तक टोटल 34 मैच खेले गए, जिसमें से भाई देखो बैटिंग फर्स्ट ऑन करने वाली टीम ने मैच को 14 बार जीत दर्ज किया, वहीं पे देखो भाई बॉलिंग फर्स्ट ऑन करने वाली टीम ने मैच को 14 बार, मतलब इस पिच पर मिला जुला के बैटिंग वाली टीम को 2 बार ज्यादा वॉन किया हुआ है। तो भाई क्या बैटिंग वाली टीम क्या ज्यादा मजबूत टीम है कम्पेयर टू बॉलिंग वाली टीम से। ठीक है, अभी तक देखो भाई फर्स्ट इनिंग, भाई यार देखो फर्स्ट इनिंग क्या रिजल्ट, भाई इस बीच पर जो टीम पहली इनिंग बैटिंग करने आती है वो लगभग कितने रन तक स्कोर करती है, तो भाई यार देखो आपको 127 रन तक एवरेज, मतलब एक औसत स्कोर इतने रन आपको क्रॉस देखने को मिल सकते हैं। तो भाई देखो मुझसे आप बहुत लोग पूछते कि भाई जो 20 ओवर का होता है, भाई जो 20 ओवर का सीजन कितने यस करे कितने सेल का करे नॉट करे, यस और नो में हम क्या करे, तो भाई मैं बता रहा हूँ जो बोल रहा हूँ कर देना। भाई यार देखो आज के मैच में बताऊँ, अगर देखो भाई 125 130 135 140 145 150 भाई 125 से लगा 150 तक आपको जो भी सेशन पूछ लेता है 20 ओवर का सेशन, तो सीधा सेशन आप सीधा क्या करोगे धड़ल्ले से जाके यस मार के पैसे डबल करोगे, पैसे कमाओगे, छापोगे, लखपति राजा बन जाओ। ठीक है, अभी जान देखो भाई टू एंड इनिंग स्कोर, भाई इस पिच पर दो टीम दूसरे इनिंग बैटिंग करनी है तो लगभग कितने रन तक स्कोर कर लेती है, तो भाई देखो पहली इनिंग में आपको 127 रन तक स्कोर देखने को मिल रहा है और दूसरे इनिंग में जो टीम बैटिंग करने आती है लगभग आपको 95 मतलब 100 मान के चलो, भाई इस पिच पर जो भी टीम मैच जीतती है लगभग आपको 30 या 35 रन अप्रोक्स उतने से ही जीती लगभग। ठीक है, अभी देखो भाई इस पिच पर अभी तक टोटल 34 मैच खेले गए, जिसमें से भाई देखो एक मैच सबसे क्या रहा है हाईएस्ट टोटल स्कोर, इस पिच का सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा कितना 194 रन पे 5 विकेट। ठीक, अभी तक देखो भाई लोवेस्ट टोटल इस पिच का सबसे घटिया स्कोर कितना रहा 39 रन पे 10 विकेट। तो भाई देखिए हमने आपको किसके बारे में बता दिया, स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बताया, देख लो समझ लो मतलब समझ लो इधर बोर्ड पे। अब भाई चलिए जान लेते किसके बारे में, हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में जान लेते। भाई देखो अगर आप जान जाओगे हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड तो भाई आपको एकदम कंफर्म पता चल जाएगा कि भाई इंडिया और इंग्लैंड में से कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम कमजोर है, इन दोनों के बीच में भी तो टोटल कितने मैच खेले गए, कौन जीता है कौन हारा है। तो भाई चलो जान लेते हैं हेड टू हेड मैच हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में जान लेते हैं किसके बारे में। भाई इधर देखो हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में जान लो, भाई इधर देखो हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड अभी तक भाई इंडिया ने अभी तक इंग्लैंड से कितने बार T20 मैच को जीत हासिल किया, 12 बार जीता, वहीं पे भाई देखो इंग्लैंड ने अभी तक इंडिया से कितने बार T20 मैच को मुकाबला जीता हुआ, तो भाई 11 बार। तो भाई क्या पता चलता है भाई जो अपना इंडिया है, भाई इंडिया ने 11 बार मतलब एक बार इंडिया ने भाई मैच को ज्यादा वॉन किया, तो भाई क्या है इंडिया क्या है मजबूत टीम है, तगड़ी टीम है, ताबड़तोड़ टीम है। ठीक है, तो भाई इधर से क्या पता है इंडिया क्या है मजबूत टीम है। ठीक है, तो भाई देखो मैं आप लोग के लिए क्या लेके आया हूँ, भाई इधर देखो ड्रीम इलेवन विनिंग प्रेडिक्शन। भाई देखो ड्रीम इलेवन पे जीतने का तरीका क्या, तो भाई ध्यान से सुनिएगा, मैं ये दो लाइन में लिखा हूँ भाई इसी पे ड्रीम इलेवन विनिंग प्रेडिक्शन, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, अभी इधर देखो इंडिया टीम है सुपर एंड ओवर टीम टीम इंग्लैंड टीम सो ट्राई टू पिक मोर प्लेयर इंडिया, मतलब भाई देखो भाई मैं आपको ये बताएं भाई जो इंडिया टीम है इंग्लैंड टीम से क्या है मजबूत टीम है तगड़ी टीम है, तो भाई टीम बनाते समय क्या करोगे कॉम्बिनेशन क्या करोगे 7 vs 4 का कॉम्बिनेशन करोगे, जिसमें से भाई आपके 7 प्लेयर किसके रहेंगे, भाई आपके रहेंगे इंडिया के और भाई जो 4 प्लेयर ये आपके रहेंगे इंग्लैंड के। तो भाई इधर देखिए हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड के बारे में बता दिया, अब भाई इधर देखो ड्रीम इलेवन विनिंग प्रेडिक्शन के बारे में बता दिया, अब भाई चलिए जान लेते किसके बारे में प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में जान लेते किसके बारे में। भाई इधर देखो प्लेयर प्रेडिक्शन, भाई इधर देखो इंडिया प्लेयर प्रेडिक्शन किसके बारे में बैटर के बारे में जान लो कि भाई किस बैटर के ऊपर आप क्या करोगे 25 रन क्या करोगे यस करोगे और किस बैटर के ऊपर भाई 25 रन क्या करोगे नॉट करोगे हाँ और ना में जवाब देके हमारी वीडियो के मदद से आप पैसे कमा सकते, तो भाई ध्यान से कमाइए। तो भाई देखो हार्दिक पांड्या आज के मैच में फर्स्ट बैटिंग करे सेकेंड इनिंग बैटिंग करे, आप इसको भाई दोनों
इनिंग में क्या करोगे, 25 रन क्या करोगे, यस कर दे। ठीक है, अभी जब देखोगे रविंद्र जडेजा फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते समय, सेकंड इनिंग बैटिंग करते समय, आप इस पे दोनों इनिंग में 25 रन क्या कर रहे हैं, यस कर। ठीक है, अभी जब देखो विराट कोहली आज के मैच में फर्स्ट इनिंग बैटिंग करे सेकंड इनिंग बैटिंग करे तो भाई 25 रन तो यस ही कर रहे ना सभी प्लेयर पे इंडिया का। अभी जब देखो भाई बॉलर, इंडिया में कौन सा बॉलर है भाई जो की आज के मैच में 2 से 3 विकेट लेते हुए नजर आएंगे, तो भाई देख लो आज के मैच में बता दूं रविंद्र जडेजा आपके मैच में कम से कम भाई ये कम से कम बताओ 3 विकेट ले जाने वाले, और भाई जसप्रीत बुमराह कम से कम 2 विकेट ले जाने वाले। तो भाई ये दोनों बॉलर इंपॉर्टेंट है इंडिया के। भाई देखो बॉलर बता दिया, विकेट कौन ले जाने वाले, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह दोनों मोस्ट पिक है इंपॉर्टेंट आज के मैच में। ठीक है, तो भाई इधर देखिए हमने बताया इंडिया प्लेयर पोजीशन बैटर के बारे में बता दिया, यहाँ पे बॉलर के बारे में बता दिया, अब भाई चलो जान लेते किसके बारे में, इंग्लैंड के प्लेयर पोजीशन के बारे में जान लेते हैं किसके बारे में। भाई देखो प्लेयर प्रेडिक्शन, भाई देखो प्लेयर प्रेडिक्शन 25 रन यस करना है किसको, 25 रन नो करना है, इसके बारे में जानो। भाई देखो जॉस बटलर आज के मैच में बता दूं अगर ये फर्स्ट इनिंग बैटिंग कर गए तो भाई 25 रन यस, अगर बाई चांस मान लो दूसरे इनिंग बैटिंग करते हैं तो भाई 25 रन क्या करोगे सीधा नॉट मारोगे आज के मैच में। ठीक है, अभी अगर देखो भाई सैम करन दोनों इनिंग में आपको मस्त रनिंग वाले दोनों इनिंग में 25 रन क्या कर देना, यस कर देना। ठीक, अभी अगर देखो भाई मोइन अली आज के मैच में फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हैं तो भाई 25 रन यस, दूसरे इनिंग में अगर ये बैटिंग करते हैं तो भाई 25 रन क्या करोगे सीधा नॉट मारोगे। ठीक, अभी अगर देखो भाई बॉलर, भाई देखो इंग्लैंड का कौन सा बॉलर है भाई जो कि आज के मैच में कितना 2 से 3 विकेट ले आता हुआ नजर आएगा, तो भाई इधर देख लो क्रिस जॉर्डन और आदिल राशिद, भाई देखो दो बॉलर का नाम लेके आए तो भाई देखो दोनों इंपॉर्टेंट है आज के मैच में। क्रिस जॉर्डन आपको कितना 2 विकेट ले आता हुआ दिखेगा और यहीं पे भाई देखो आदिल राशिद आज के मैच में आपको कितना 2 से 3 विकेट भी ले आ सकता है, तो भाई आदिल राशिद क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड के दोनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है मतलब दोनों बॉलर। तो भाई इधर देखिए हमने आपको किसके बारे में बता दिया, हमने बता दिया प्लेयर पोजीशन बैटर के बारे में इंग्लैंड के बारे में बताया, यहाँ देखो भाई बॉलर के बारे में बता दिया इंग्लैंड के बॉलर के बारे में। ठीक है, अब भाई चलिए जान लेते किसके बारे में, द बेस्ट चॉइस कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में किसके बारे में। भाई देखो द बेस्ट चॉइस, भाई देखो द बेस्ट चॉइस कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में जान लो इंपॉर्टेंट है। भाई जो ये बोर्ड पे मैं 5 प्लेयर लेके आया ना भाई, ये पांचों इंपॉर्टेंट आपके टीम में भाई, ये जो पांचों हैं रहना एकदम इंपॉर्टेंट है। पहले इन पांचों का नाम सुन लो भाई, देखो हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, सैम करन, मोइन अली, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। भाई देखो आज के मैच में मेरा क्या ओपिनियन है, मैं किसको कैप्टन मैं किसको वाइस कैप्टन करूंगा इसके बारे में देख लो। भाई देखो आज के मैच में मैं क्या करूंगा, सैम करन को कर दूंगा वाइस कैप्टन, और भाई मैं कैप्टन किसको करने वाला, भाई देखो आज के मैच में विराट कोहली को कर दूंगा कैप्टन। तो भाई अगर देखो हमारा रहा था बेस्ट चॉइस कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बता दिया, अब भाई आप कहोगे भाई पूरी वीडियो दिखाए लेकिन आप ये नहीं बताए भाई आज का टॉस और आज का मैच कौन वन करेगा, तो भाई इधर देख लो आज का जो भाई क्या आज का टॉस और भाई इधर देख लो आज का क्या मैच, भाई टॉस और मैच दोनों क्या जीतेगा, भाई देखो इंग्लैंड जो टॉस जीतेगा मैच जो भाई कौन जीतेगा INDIA भाई टॉस जीतेगा इंग्लैंड और मैच जीतेगा इंडिया। चलो भाई आज के वीडियो को रखता हूँ यहीं तक, मिलता हूँ फिर किसी नए मजेदार ताजे फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टेक केयर।